मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है, आज हॉस्पिटल में जाना है, सैटरडे संडे हॉस्पिटल नहीं जाती, सोचा आपने बालकनी में आके खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ कि बाहर के क्या नज़ारे है। ये और बाहर का ये सीन है। लॉकडाउन कहाँ है भाई? गुड मॉर्निंग बच्चू। ए बच्चू, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण बच्चू। तो अभी टाइम हो रहा है 12:10, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। रोज रोज व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्या दिखाना है समझ नहीं आ रहा। 30 डेज कंटिन्यूस व्लॉग डालना, पता नहीं हम लोग क्या डालेंगे। पर कल के व्लॉग में रियान बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो रियान आते रहेगा अपने वीडियो में। ठीक है, तो फिर आज का व्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं और जो कुछ रहेगा वो दिखाएंगे आगे रखे। 12 बज रहे हैं और मेरा रूम ओ सिच बच्चे के होते हुए ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब क्लीन हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और मैं अभी तो खाना खाता हूँ और साथ में व्लॉग्स। अभी खाने के बाद तो फिर से पढ़ाई करने बैठ गया मैं, तो आज MCQ सॉल्व करने का डे है। तो ये देखो, MCQ सॉल्व कर रहा था मैं, काफ़ी कर लिए MCQs, तो हाँ अभी पढ़ाई करता हूँ। Box of having a kid, पतिदेव मेरे लिए चाय गरम कर रहे हैं ताकि मैं चाय पी सकूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को सुला रही हूँ, तो मेरे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं। How sweet Vishal. तो अभी मैं स्केच बना रहा था रियान का, काफ़ी दिन हो गए इसको बना के, मतलब 10 दिन से बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ना, पढ़ाई भी करना है और मतलब दिन का आधा 1 घंटा रात को हुआ तो स्केच करता हूँ। हाँ थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि इसका फेस बहुत बड़ा लग रहा है, पर इसका फेस अब फिनिश किया पूरा, ये बॉडी भी पूरा बाकी है। इंडियन स्टाइल ऑफ मेकिंग रोटी का आटा, मारो 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 इसको। मम्मी ऐसे करती थी। दाल भात खाने के लिए ये बच्चे के नाटक देखो। चीज केक तो कैसे खा गया था कि चीज केक खा के मेरे को अच्छी सी स्माइल दे रहा था, और अभी इसको देखो दाल भात नहीं खाना है बच्चे को, हंस रहा क्या है। के दिन भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा एक अर्जेंट काम के लिए, तो फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और क्योंकि मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा एक रात के लिए हॉस्पिटल में, तो इसलिए मैं रियान को भी साथ में लेके जा रही हूँ। रियान को मैं मासी के घर पे छोड़ दूँगी और मेरा हॉस्पिटल का काम ख़त्म करूँगी। ये देखो नानी के घर पर आने के फ़ायदे, रियान एकदम खुश है चॉकलेट खा के, नानी ने बहुत सारी चॉकलेट खिला दी है रियान को। रियान है ना, नानी ने खिलाया, ये देखो नानी ने चॉकलेट खिलाया रियान को। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मेरे मासी के घर पे और वहाँ पे निधि भी है और रियान के साथ बहुत खेलेंगे, तो बैग रेडी है चलो। तो अभी पेट्रोल भराना है, बहुत टाइम से मैं ऐसे ही चला रहा हूँ और हाँ मेरा ये रिस्ट पेन हो रहा है, पर क्या कर सकता है अभी। तू चिल्लाओ ना बाबली, अभी कैमरा रियान आजो यहाँ, कैमरा चागड़, अरे केम क्राइ केम करे जे, मम्मी पास जाओ छे ना, मम्मी पास ना जाओ ना 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 ना, मेरे पास रहता ही नहीं है, मेरे पास आके रोना स्टार्ट हो जाता है उसका। चल अंदर ओपा, टच नहीं करा, डोंट टच मी। मैं आज रियान को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे पप्पा और रवि के घर से, पहली बार
देखते हैं अब वो कितनी देर टिकता है या मुझे भाग के हॉस्पिटल से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं और हर्ष आना ही पड़ेगा, नहीं रहेगा हमारे पास वो। मैं और हर्ष जा रहे हैं हॉस्पिटल, मेडिकल में काम कर रहे हैं, अब देखते हैं हमें कितनी देर में रिटर्न बुला लेते हैं।